एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड सात्विक। तो हमारा आज का टॉपिक है, आज का कंसर्न है एक्चुअली कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और ऐसे करें। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें, क्या अगर वो प्लेटफॉर्म कल को नहीं रहता है तो हमारा जो हार्ड अर्न मनी है वो कहाँ जाएगा। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, बहुत सारे कंसर्न रहते हैं लोगों के। इवन अभी भी बहुत सारी फीमेल्स डिपेंडेंट है किसी ना किसी पे कि मैं इन्वेस्टमेंट करना तो चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा किस ऐप से शुरू करूँ, कहीं मैं जो ऐप चूज करूँ वो गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहली बात, आप मार्केट में अवेलेबल किसी भी ऐप को अगर चूज करते हैं तो वो आपका पैसा ऐप के पास नहीं जा रहा है। ऐप इज जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया प्रोवाइड करता है कि आप उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पैसा आपका एएमसीज के पास होता है, वो आप डायरेक्टली भी उनको अप्रोच करके, ऑनलाइन मेल डाल के, उनके कस्टमर सर्विस से बात करके आप अपना डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों डायरेक्टली, अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली भी तो एएमसी से म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते। रीजन इज कि वो इजी नहीं होता प्रोसेस। अभी जैसे मैंने यूटीआई में, अगर मुझे म्यूचुअल फंड ओपन करना है तो मुझे यूटीआई की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, चीजें सर्च करनी पड़ेंगी, प्रोसेस है उनका एक थोड़ा लंबा सा। तो ये जो मिडलवेयर एप्स आते हैं, मिडलवेयर एप्स मतलब जो ये आजकल मार्केट में एप्स अवेलेबल हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो ईटी मनी हो, कोई भी ऐप जो आजकल अवेलेबल है जो आपको म्यूचुअल फंड बाय करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका बेस्ट यही है, सोल्यूशन यही है कि आप अगर डायरेक्टली एएमसीज पे जाके आप बाय नहीं कर पा रहे म्यूचुअल फंड तो उनकी ऐप पे जाइए, इजीली म्यूचुअल फंड सर्च कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो ये उनका सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। तो अब इस प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन बहुत सारी ऐप्स दे रही हैं, तो आपको कौन सी चूज करनी है? तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी तक बहुत सारी ऐप्स के बीच में स्विच किया हुआ है, उसके बाद मुझे ये समझ में आया है कि अगर आपको क्विकली इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो आप ग्रो ऐप फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि स्पेलिंग है GROW। ग्रो ऐप का सजेशन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के वजह से है आप लोगों के लिए, कि ये मैंने खुद यूज़ किया हुआ है और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अब आप लोगों को क्या चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है ग्रो ऐप पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की? तो बहुत ही सिंपल है, तीन चीज़ें हैं। पहला, यूपीआई, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप उसको अपडेट करके और उसका यूपीआई क्रिएट कर सकते हैं ग्रो ऐप पे ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग यूपीआई है जैसे गूगल पे, फोन पे, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आपको पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड आपको अपडेट करना होगा। तीसरा, आपको अपडेट करना होगा अपना आधार कार्ड। ये तीन चीज़ें आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके अलावा कुछ डिटेल्स ग्रो ऐप आपकी मांगेगा, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी नेम। ये अपडेट करने के बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। वो आज तक पे कहते हैं ना, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला। तो इसमें मैं थोड़ा सा अपना ऐड कर देती हूँ, इन्वेस्टमेंट का बोलबाला। तो ये वैसे जायूस है, तो जायूस आज का नया शब्द है, आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं और इसका मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज, अब इसके जस्ट बाद, एक मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग अपडेटेड है। अगर आपको ग्रो अप में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। और उसके अलावा आप जब इंस्टॉल करें, जब अपडेट करें, तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चन का आंसर करने में। पे जाएंगे और ग्रो ऐप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इस पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आपको अपना ईमेल डालना होगा। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, इसको हम ओपन करेंगे।
ओपन करने के बाद इसमें दो ऑप्शंस आएंगे, कंटिन्यू विद गूगल और लॉग इन है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपना पासवर्ड, कंटिन्यू विद और ईमेल, तो ईमेल डालेंगे यहाँ पे आप, और उसके बाद आप इस पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड। आप देखोगे लेफ्ट साइड में ये स्टॉक्स है और राइट साइड में ये म्यूचुअल फंड है, तो स्टॉक्स में तो अभी आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करिए। दोनों में ही दो ऑप्शन है, एक्सप्लोर और डैशबोर्ड, एक्सप्लोर और डैशबोर्ड। अब आप म्यूचुअल फंड पे देखेंगे दो ऑप्शन है, एक्सप्लोर और डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में जाके आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, अगर आपने ऑलरेडी कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप अपने फंड्स इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को मेरी इस वीडियो की बिगिनिंग में बताया था कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, तो आप अपने फंड्स किसी एक ऐप से दूसरे ऐप पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं ट्रैक करने के लिए। अगर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है तो आप सिलेक्ट करेंगे आई डोंट हैव इन्वेस्टमेंट एल्सवेयर, तो आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे फंड्स दिखाएगा कि ये फंड्स अवेलेबल हैं, आपको जिसमें भी करना है तो आप कर सकते हैं। अभी सपोज करो मुझे टाटा डिजिटल में इन्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे अगर मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं वन टाइम सेलेक्ट करूँगी सपोज करो 5000 का, और इन्वेस्ट नाउ कर दूँगी। इन्वेस्ट नाउ करने के बाद मेरे पास पेमेंट मेथड आएगा, ये क्लियरली मेरे पास सारी ऐप्स अवेलेबल है UPI की। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए तो आप NEFT IMPS कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तो हो गया वन टाइम। अगर मुझे मंथली SIP करनी है तो मंथली SIP के लिए मैं ये रहा अमाउंट, SIP डेट, नेक्स्ट SIP डेट ये सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं कोई ये कंफर्म करनी है ये नहीं करनी है तो हम कोई भी लाइक फर्स्ट या सेकंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये मे में चली जाएगी, नेक्स्ट SIP इंस्टॉलमेंट विल बी ऑन 2nd of May, क्योंकि इस मंथ की निकल चुकी है ऑब्वियसली। तो कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद इन्वेस्ट नाउ और सेम ही पेमेंट पेज पे आ जाएगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अब ये तो तरीका हो गया हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। अब कहाँ इन्वेस्ट करना है इसमें ये भी थोड़ा सा सजेशन दिया होता है, जैसे हाई रिटर्न्स, SIP, बेटर देन FDs, टैक्स सेविंग्स, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे कलेक्शंस दिए हुए हैं, पर ज़रूरी नहीं आप यहाँ से सिलेक्ट करें, आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट कहाँ करना है, कौन से म्यूचुअल फंड में करना है, उसके लिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सपोज करो मुझे क्वांट एक है, क्वांट का क्वांट टैक्स प्लान फंड में इन्वेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सीधा उस पर आएंगे, और देखिए आप दो ऑप्शन है मेरे पास, वन टाइम और मंथली SIP। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको जो ठीक लगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आपको SIP करनी चाहिए, बट आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। So, thank you so much. See you in next video. Bye-bye.